नमस्ते बच्चों, देखो हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ रहे थे और सर्वनाम के प्रकार में हमने पहले निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था। आज हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वनाम के प्रकार में जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसकी क्या परिभाषा है? तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो परिभाषा थी वो थी कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो इसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, नीचे उदाहरण दे रखा है, दो उदाहरण दे रखे हैं। यहां कोई नहीं आया, तो यहां कोई नहीं आया, तो कोई जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ पड़ा है, अब पानी में कुछ पड़ा है, तो ये कुछ जो शब्द है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है कि क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो ये कुछ शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप सभी बच्चे इसको लिख लें, परिभाषा को सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे सभी। पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे जो आपने बना रखी है, रफ कॉपी या जो भी आपने बना रखी है, और उसके बाद आपको इसको सुंदर सुंदर शब्दों में अपनी HW कॉपी में लिखनी है। इसे आप याद भी करेंगे, HW कॉपी में सुंदर सुंदर शब्दों में ही लिखेंगे, और इसको बोल बोल करके लिखेंगे। सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत आपने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी है, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी है, और आज हम जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपके सर्वनाम के तीन प्रकार हो गए हैं। आप तीनों जो प्रकार है इनकी परिभाषाओं को अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे। इस प्रकार ये जो प्रकार है सर्वनाम का, ये वाला, इसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे यहां कोई नहीं आया, अब कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। पानी में कुछ पड़ा, कुछ पता नहीं क्या है, तो हमको इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कुछ पड़ा है, तो ये कुछ जो शब्द है ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लिख लीजिए इसको सभी।